दोस्तों नमस्कार, मैं अमित गुप्ता LIS स्टडी जोन से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे आज लाइब्रेरी साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि DSSB KVS व नवोदय विद्यालय की परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्लासिफिकेशन नंबर 4 फिज़िक्स इन DDC इज़। DDC में फिज़िक्स के लिए क्या क्लासिफिकेशन नंबर है? 510, 520, 530, 540। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी 530। प्योर साइंस के लिए 500 नंबर है, गणित के लिए 510 नंबर है, एस्ट्रोनॉमी के लिए 520 नंबर है, फिज़िक्स के लिए 530 नंबर है, केमिस्ट्री के लिए 540 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ILA वॉज फाउंडेड। ILA की स्थापना कब की गई थी? 1934, 1945, 1955, 1933। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1933। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड ऑन 13 सितंबर 1933, कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स कंसिस्ट्स। बाइनरी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स में कितने डिजिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 4 डिजिट, ऑप्शन बी 6 डिजिट्स, ऑप्शन सी 8 डिजिट्स, ऑप्शन डी 2 डिजिट्स। करेक्ट आंसर इज 2 डिजिट, दैट इज ऑप्शन डी। बाइनरी सिस्टम ओनली यूजेस 2 डिजिट्स 0 और 1। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट्स का प्रयोग होता है, 0 व 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज़ द नेशनल लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अगस्त, 22 सितंबर, 3 मार्च, 12 अगस्त। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 12 अगस्त। नेशनल लाइब्रेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त एवरी ईयर इन रिमेम्बरेंस ऑफ नेशनल प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर SR रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्केयर वाज फॉर्मली नोन एज। निस्केयर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए डेसीडॉक, ऑप्शन बी नेसडॉक, ऑप्शन सी सेंडॉक, ऑप्शन डी इंसडॉक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इंसडॉक। इंसडॉक स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1965। Correct answer is option D 1965. In this act, provision of 3% of the library cess on land revenue. इस एक्ट में 3% लाइब्रेरी सेस का प्रावधान किया गया था कि जितना भी लैंड रेवेन्यू होगा उस पर 3% लाइब्रेरी उपकर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसिस्ट वाज लॉन्च्ड बाय। यूनिसिस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए WHO 1972, ऑप्शन बी यूनेस्को 1972, ऑप्शन सी IAEA 1973, ऑप्शन डी यूनेस्को 1973। करेक्ट आंसर इज यूनेस्को 1972। यूनिसिस्ट स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइपो इज एस्टेब्लिश्ड इन। वाइपो की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन, ऑक्सफोर्ड, जेनेवा या पेरिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जेनेवा। वाइपो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वाइपो वाज क्रिएटेड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड बाय कोऑपरेटिंग विद द कंट्रीज एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल लाइब्रेरी हेराल्ड। एक जर्नल है लाइब्रेरी हेराल्ड नाम से, उसका प्रथम संपादक कौन था? ऑप्शन ए PN कोला, ऑप्शन बी MA गोपीनाथ, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी BS केशवन। करेक्ट आंसर इज PN कोला। लाइब्रेरी हेराल्ड इज अ क्वार्टरली जर्नल इज पब्लिश्ड बाय DLA दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी हेराल्ड नामक जर्नल DLA द्वारा पब्लिश किया जाता है। DLA का अर्थ है दिल्ली पुस्तकालय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूजेस द लाइब्रेरी, दे आर कॉल्ड, जो लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन बी रीडर्स ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन सी यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन डी स्कॉलर्स ऑफ द लाइब्रेरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी। यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी ऑल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्ड इज यूज टू रीच वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुँचने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चेक कार्ड, ऑप्शन बी बॉटम कार्ड, ऑप्शन सी हाइपर कार्ड, ऑप्शन डी आइडेंटिटी कार्ड। करेक्ट आंसर इज हाइपर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल सॉफ्टवेयर वाज डिवाइस्ड बाय, सॉल सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इनफ्लिबनेट, डेलनेट, निकनेट या इंडोनेट। करेक्ट आंसर इज इनफ्लिबनेट। सॉल स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 1991 डेलनेट इज़ नोन एज, 1991 के बाद डेलनेट को किस नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शन ए दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, डेवलपिंग लाइब्रेरीज नेटवर्क, ऑप्शन सी डिलीवरी ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन डी डिलीवरी नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डेवलपिंग लाइब्रेरीज नेटवर्क। डेलनेट वाज स्टार्टेड इन 1988। डेलनेट की शुरुआत 1988 में की गई थी। व्हेन वाज मणिपुर लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास्ड, मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? 1992, 1988, 1978, 1987। करेक्ट आंसर इज बी 1988। इन दिस एक्ट देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ लाइब्रेरी सेस, इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी लाइब्रेरी उपकर का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीबी, जीबी की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल बाइट, गीगाबिट्स, गीगाबाइट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गीगाबाइट। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट PhD वाज awarded to whom in library science in India? भारत में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के रूप में प्रथम PhD की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? BS केशवन, श्री SR रंगनाथन, PN कोला, DB कृष्णा राव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी DB कृष्णा राव। फर्स्ट PhD वाज awarded to DB कृष्णा राव by यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ALA सिचुएटेड, ALA का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी लंदन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शिकागो। ALA मीन्स अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज SDI स्टैंड्स फॉर, SDI का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इमेज, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डाटा इंटरचेंज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। SDI वाज ए कॉन्सेप्ट फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय HP लूहन इन 1950s। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड कर्सर एटसेट्रा ऑफ कंप्यूटर आर द, ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी मेमोरी डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। करेक्ट आंसर इज इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर, मॉनिटर एंड हेडफोन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फैक्टर कंसिडर्ड इन द फोर्थ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी साइंस के फोर्थ लॉ में किस पे ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है, किस फैक्टर पे ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है? ऑप्शन ए स्टाफ, ऑप्शन बी यूज़र, ऑप्शन सी टाइम, ऑप्शन डी मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर इज टाइम, सी इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, तो प्रत्येक पुस्तकालय अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने पाठक का समय बचाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।